बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान इंजीनियर काजी नुमान मुजाहिद डिजिटल हेल्थ केयर के साथ। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर हम क्या इन्हेंसमेंट्स ला सकते हैं डिजिटल ब्लेंड को ऐड करते हुए, और वो क्या चीज़ें हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स के सिस्टम्स में मौजूद नहीं हैं या लैक कर रही हैं, उनको हम ताकि हाईलाइट करके हुकामे बाला तक पहुँचा सकें, बल्कि वो लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल ओनर्स हैं उन तक भी ये बात जा सके और वो हेल्थ केयर सेक्टर को उन चीज़ों को ऐड करते हुए इन्हांस कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, जिसके नतीजे में जो मुख्तलिफ चैलेंजेस आते हैं पेशेंट्स को या डॉक्टर्स को, उनको हम समहाउ ओवरकम कर सकें। आज इस हवाले से हमारे बहुत ही मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर रिटायर्ड एसएम नदीम साहब, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर, चूँकि आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं, लिहाजा हमने सोचा कि आज इस हवाले से आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाएं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये बताइए कि डिजिटल हेल्थ केयर, ये आजकल एक शोर मचा हुआ है कुछ तकरीबन पिछले चंद सालों से, ये डिजिटल हेल्थ केयर है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे आपने बयान किया कि मेरा ताल्लुक़ एक हॉस्पिटल से है, पटेल हॉस्पिटल से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ मैं सारी तमाम चीज़ें ये देखता हूँ, और आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी जैसे जैसे वहाँ इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में सबसे ज़्यादा वहाँ इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, उनको मैं देख रहा हूँ। उसमें ये टेली मेडिसिन या ये जो आप बात कर रहे हैं कि डिजिटल हेल्थ सिस्टम, बेसिकली इसके दो सेगमेंट्स बन जाते हैं, दो सेगमेंट्स तरह से बन जाते हैं। एक डील करता है जो कि पेशेंट को और डॉक्टर्स या हेल्थ केयर टीम को, और दूसरा डिवाइसेस से रिलेटेड है। अगर आप पेशेंट और डॉक्टर्स या हेल्थ केयर टीम के बारे में देखें तो ये बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें उसका तमाम डाटा, जो इसको आप हिस्ट्री भी कहते हैं, किसी भी पेशेंट का रिकॉर्ड हिस्ट्री, और इस तरह के डॉक्टर्स के लिए इस तरह के जो केसेज़ हैं उनकी हिस्ट्री, जो दूसरे पेशेंट्स की भी हो सकती है, और सिम्टम्स का रिकॉर्ड, ये सारा डिजिटाइज होकर कंप्यूटर में सेव होता है। हमारे पटेल हॉस्पिटल में भी ये सारी चीज़ें इस वक्त कंप्यूटराइज हैं, और इनके अंदर एक MRI नंबर इशू हो जाता है, एक कार्ड इशू हो जाता है, द मोमेंट पेशेंट जब भी एक्सेस करता है, वो रिमोटली भी एक्सेस कर सकता है और हॉस्पिटल में फिजिकली आता है, तो उसका वो तमाम रिकॉर्ड वो एक्सेस कर सकता है, व्यू कर सकता है, और इसी तरह से जो डॉक्टर्स है या हेल्थ केयर टीम है वो उसका तमाम रिकॉर्ड देख सकते हैं, और डॉक्टर्स के पास जो दूसरे पेशेंट्स का सिमिलर सिम्टम्स के साथ जो होता है या सिमिलर जो उसकी जो इलनेस है उसको वो व्यू करके कंपेरिजन्स भी निकाल सकते हैं। तो ये एक डिजिटाइजेशन ऑफ डाटा कह लें, आर्काइविंग कह लें, ये एक प्लेटफॉर्म है जो इसका मेजर पोर्शन है जो कि रिलेटेड है पेशेंट से। दूसरा इसके अंदर जो पेशेंट और डॉक्टर का, ये कि पेशेंट और डॉक्टर आपस में रिमोटली भी कनेक्ट हो सकते हैं, इट प्रोवाइड्स द कनेक्टिविटी एज वेल अक्रॉस द बोर्ड, द पेशेंट कैन शेयर इट्स डाटा अक्रॉस द हॉस्पिटल्स, अक्रॉस द डिफरेंट डॉक्टर्स एज वेल, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, तो ये एक कनेक्टिविटी का भी आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। दूसरी साइड पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है उसमें एप्लीकेशंस आ जाती हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं जो आजकल आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं और डेस्कटॉप बेस्ड भी हैं, और साथ साथ इसके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, गैजेट्स हैं, वो इस वक्त मार्केट में, ये दूसरा सेगमेंट आ जाता है। इस सेगमेंट में अगर हम एप्लीकेशंस को ले लेते हैं तो आप देखें कि जैसे एप्पल का है तो एप्पल हेल्थ के नाम से है, वो एप्पल हेल्थ जो है वो आपके सारी दिन की तमाम एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहा होता है कि आपने कितने स्टेप्स लिए हैं, अगर आप उसको एक्टिव कर देते हैं तो आपका हार्ट रेट क्या चल रहा है, आपकी पल्स क्या है, आपका शुगर लेवल क्या है, तो ये तमाम चीज़ें ये जो है वो इस तरह की एप्लीकेशंस कर सकती हैं। इवन ECG है, स्कैनिंग है, ठीक है, इसी के अंदर आप देखें तो इवन डॉक्टर्स के साथ जो है वो एक इंटरफेस मौजूद है जिसमें वो आप कह सकते हैं टेली मेडिसिन जिसे आप कहते हैं, तो टेली मेडिसिन का फीचर मौजूद है जिसमें डॉक्टर उस एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्टली उसको जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है, और उसको मेडिसिन या उसको फर्दर ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकता है, और पूरी हेल्थ केयर टीम भी उसको 24/7 वॉच कर सकती है। इवन इसके अंदर ये है कि फिर डायग्नोस्टिक्स का इसके अंदर आ जाता है कि तमाम किस्म की होम डायग्नोस्टिक्स हो जाती हैं जो जो अवेलेबल हैं आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तीसरी साइड पे जब आप चले जाते हैं तो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उसमें आप देख लें कि इस वक्त रिमोट सर्जरी की तरफ दुनिया जा रही है,
वो 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी में कैपेसिटी और स्पीड बहुत हाई है, तो आप रियल टाइम के अंदर मिली सेकेंड्स के फ़र्क के साथ सेम काम कर सकते हैं। प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में मुश्किल है कि आप अगर यहाँ पे रोबोट से वो स्टिच लगाता है पिंडी में बैठ के कराची के पेशेंट को, तो कराची के पेशेंट को स्टिच लगते लगते कई मिनट गुजर जाएंगे, कई मिनट के बाद यहाँ पर मशीन जो है वो स्टिच लगाएगी। जबकि 5G टेक्नोलॉजी उसको इनेबल कर देगी इंस्टेंटली, तो रिमोट जो है आप कह लें कि रिमोटली डॉक्टर जो है वो सर्जरी कर सकते हैं, रिमोट सर्जरी, और उसमें रोबोटिक्स आ जाते हैं। अच्छा मेरा सर माजर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे यहाँ दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जब आपने कहा कि डेटा जो है वो अवेलेबल होता है, हमने देखा कि हॉस्पिटल लेवल पे आजकल ये एक ट्रेंड है कि जी हम किसी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो एक कार्ड बन जाता है और वो कार्ड आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कार्ड जो है वो सिर्फ उस ही हॉस्पिटल में या उसकी किसी ब्रांच में जो है वो इस्तेमाल के काबिल होता है। अगर मैं चाहूँ कि मैं एक हॉस्पिटल ए का कार्ड जो है वो हॉस्पिटल बी में जाके यूज़ कर लूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। जबकि दुनिया में अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर ये डेटा इसलिए अवेलेबल किया जाता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मुझे इस वक्त कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि मेरी माजी की किसी डिजीज से मुताबिकत नहीं रखते, लेकिन डॉक्टरों को अगर उस मेरी हिस्ट्री का पता होगा तो शायद वो मुझे कुछ ऐसी दवाएं देने से गुरेज करेगा जो मेरी पिछली हिस्ट्री को समाव हिट कर सकती है। तो क्या ये सिस्टम पाकिस्तान में अवेलेबल है? नहीं है तो क्या होना चाहिए और क्यों नहीं है? देखिए आप इस वक्त तो प्रेजेंटली तो ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर हॉस्पिटल ये कोशिश करता है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहे और वो उसी हॉस्पिटल के पास रहे। लेकिन जैसे हम पटेल हॉस्पिटल के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम पेशेंट को शेयर करते हैं, जो पेशेंट किसी भी जगह ले जाके, जिसको हम समरीज कहते हैं या पेशेंट की फाइल है उसमें, वो जाकर दूसरे हॉस्पिटल्स में भी अपने इसी तरह से जो डायग्नोस्टिक्स के जितने रिजल्ट हैं वो पेशेंट अभी भी इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी हॉस्पिटल में हो वो ले जाकर दूसरे हॉस्पिटल्स में जो है वो शेयर कर सकता है, दूसरी जगह पे सेकेंड ओपिनियन ले सकता है। तो इतना इसमें है भी और नहीं भी है, तो ये 50-50 है कि 50% जो उसका डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल होता है तो उसको वो। लेकिन अगर मैं फ़र्ज़ कीजिए मैं एक पेशेंट हूँ और मैं एक इमरजेंसी में किसी मुझे मेरे घर का कोई फ़र्द लेकर जा रहा है, और उस वक्त वो जो फिज़िकल फॉर्म में जो एक रिपोर्ट होती है जो हमें एक एनवलप में रख के दे दी जाती है, वो या कहीं पे फाइल हुई होती है या मैं कहीं समा उसको मिस कर गया हूँ, क्योंकि आजकल हम अपनी सेहत के मामले में इतने ज़्यादा केयरिंग नहीं है, सो वो इन्फॉर्मेशन होना ना होना आई थिंक तकरीबन बराबर ही है। तो आई थिंक आपका जो वाला पॉइंट है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो इन चीज़ों को शेयर करने से गुरेज करते हैं, तो मेरा सवाल जो है मैं उसको थोड़ा सा और रिफ्रेश करता हूँ कि क्या अब ये वक्त नहीं आ चुका है कि अब हॉस्पिटल की इंतजामिया और हॉस्पिटल लेवल पे इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? नाउ दे शुड थिंक कि अगर जहाँ हम कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो हमें दूसरे हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन मिल भी रही होगी, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम वो तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो कि समहाउ बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, लेकिन वो चीज़ जो समहाउ पेशेंट को इम्पैक्ट करती है उसको समहाउ बेहतर इलाज देने में मदद कर सकती है, हम उसको शेयर कर लें? बिल्कुल, देखें ये होना चाहिए और ये हल्के हल्के हम उस तरफ जा रहे हैं, ख़ासतौर पे पटेल हॉस्पिटल जो है हम इस पर काम कर रहे हैं और हम इसी तरफ जा रहे हैं, और आगे भी दूसरे हॉस्पिटल्स भी मैं समझता हूँ ये काम कर रहे हैं और वो इस तरफ जा रहे हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन जिसमें कोई एथिक्स इन्वॉल्व ना हो, जिसमें कोई बिज़नेस की कॉन्फिडेंशियलिटी इन्वॉल्व ना हो, पेशेंट के कोई कंसर्न उसके अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसे एक्सपोज ना हो कि किसी गलत हाथ में चले जाए, डेफिनेटली वो पेशेंट की ही सौंपदीद पर होगा कि वो शेयर करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की जो चीज़ें होंगी वो ऑर्गेनाइजेशन के सौंपदीद पर होंगी कि वो उनको शेयर करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह यू विल सून सी, आप देखेंगे कि ये अब अक्रॉस द बोर्ड शेयर हुआ करेंगी और चीज़ें अवेलेबल होंगी। ये कार्ड सिर्फ एक ही जगह पर नहीं होगा बल्कि इसके थ्रू आप जो है वो अक्रॉस दी हॉस्पिटल्स आप इस इंफॉर्मेशन को और डॉक्टर्स को या हेल्थ केयर टीम्स डिफरेंट के साथ शेयर कर सकें। ये तो माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी नवीद सुनाई है मैं समझता हूँ। और जो मेरा दूसरा सवाल है वो ये है कि जो पाकिस्तान के लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में लोग टेलीमेडिसिन को इस्तेमाल करने में थोड़े से रिलक्टेंट हैं,
बहुत कॉन्शियस हैं। दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में यकीनन ये सिस्टम जो आपने एक मिसाल दी रिमोट स्टिचिंग के हवाले से, दुनिया में सिस्टम तकरीबन आज से 10 साल पहले, अगर मैं बहुत बहुत अंदाजे भी कहूँ तो 10 साल पहले से ये चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस में हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो लोग अभी भी इस चीज़ पे, इवन कि अगर एक डॉक्टर ने डायग्नोज करना है मुझे टेलीमेडिसिन के थ्रू, तो लोग इसमें रिलक्टेंट हैं कि यार जब तक मुझे वो स्टेथोस्कोप टच नहीं करेगा तो उस वक्त तक वो कैसे डायग्नोज करेगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। बट अगर हम उसको माजी में जो है वो एक तबीब या हकीम या डॉक्टर नब्स पकड़ के बता दिया करता था कि मरीज़ को क्या मर्ज लाहक है, फिर उसके बाद स्टेथोस्कोप जो है वो आ गया। और अब जो है मैं समझता हूँ कि अब ज़्यादातर डॉक्टर्स डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर रिलाई करते हैं। तो पाकिस्तान में ये चीज़ हम लोगों में कैसे उनको कायल कर सकते हैं कि जो टेलीमेडिसिन है इट इज़ वर्किंग लाइक यू आर फिज़िकली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ डॉक्टर। देखिए मैंने बार बार, क्योंकि मैं असल में पटेल हॉस्पिटल से मेरा ताल्लुक है, तो हम पटेल हॉस्पिटल में हमने टेलीमेडिसिन शुरू की हुई है, मैं वहाँ का आपको बताऊँ, और इंतहाई सक्सेसफुली माशाल्लाह वो चल रही है। इसी तरह होम डायग्नोस्टिक्स का भी हमने किया हुआ है कि हम डायरेक्ट वहाँ से उसके पल्स, उसका शुगर लेवल, उसका ब्लड प्रेशर और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो हैं जो आप मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो हैं वो यहाँ पर बैठ के एक्सेस कर सकते हैं राइट इन दी हॉस्पिटल, रिमोटली भी हम करते हैं। तो देखिए ये हल्के हल्के कल्चर बढ़ रहा है, ये हर चीज़ का कल्चर होता है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, लोगों में ये कल्चर अब बढ़ रहा है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फिजिकली और वहाँ लाइन अप होके, इट इज़ बेटर कि आप रिमोटली बैठ के डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लें, बिल्कुल वो वर्चुअल मीटिंग की तरह से होता है। और आपने देखा है कि ये एक विजुअल मीटिंग है, और लेकिन इसके लिए देखिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है कि सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज, अभी आपने बात की कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में उस लिहाज से शायद नहीं आ रही, वो इसलिए नहीं आई कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी, पाकिस्तान में सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं है। जैसे 5G नहीं है तो हम रिमोट सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ये सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज इन्हेंस होंगी, 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कभी कमी नहीं है। आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारे अपने पटेल हॉस्पिटल के अंदर हम प्लान कर चुके हैं कि ये रिमोट सर्जरी वाले इक्विपमेंट और डिवाइसेज यहाँ अवेलेबल होंगे, लेकिन क्योंकि अभी सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी नहीं है तो वी कैन नॉट गो। आपने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन देखी है आपने, जो फिलहाल जो इंटरनेट की जो डाटा स्पीड है, कैपेसिटी है, वो अभी इस नॉट दैट अप टू दैट मार्क जो हम इस तरह की रिमोट जो है वो मॉनिटरिंग या रिमोट सर्जरी की तरफ हम उस तरह से एग्जैक्टली जा सके। अभी COVID-19 जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आया, इसमें नो डाउट ज़िंदगी जो है वो एक जगह रुक कर रह गई है, पॉज हो गई है, अगर हम उसको उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को देखें तो उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो आया है वो ये है कि लोगों ने अब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, क्योंकि कोविड ने हमें मजबूर किया कि हम डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं बट हम हॉस्पिटल विजिट नहीं करना चाहते, तो लोगों ने कुछ हद तक टेलीमेडिसिन को अडॉप्ट किया है। तो क्या आप समझते हैं वाकई कोविड के आने के बाद जो है वो लोगों में इस चीज़ की को अडॉप्ट करने का सिलसिला जो है वो कुछ बढ़ा है? देखिए चर्चिल की एक बड़ी सेइंग है, और वो सेइंग ये है कि किसी भी क्राइसिस के, वो इसको उर्दू तो मैं बता रहा हूँ, कि किसी भी क्राइसिस के जो बेनिफिट होते हैं या लिवरेजेस होते हैं उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो हर क्राइसिस, जैसे ये कोविड का क्राइसिस आया है, इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, जैसे टेक्नोलॉजी वाइज अब इंसान जो है उसको एग्जामिन कर रहा है कि उसको कैसे उससे आप फाइट करें, कैसे आगे प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करें, कैसे आइसोलेशन के अंदर बैठ के आप टेलीमेडिसिन जैसे आपने की वो यूज़ करें, होम डायग्नोस्टिक्स का जो कंसेप्ट आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्राइसिस से ये इस तरह के जो आ जाते हैं दुनिया के अंदर उसके ये प्लस पॉइंट्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, तो ये बोनसेस की शक्ल में दुनिया को मिलते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें वाकई कि आपने कहा कि कोविड की शक्ल में इस वक्त बहुत ज़्यादा टेलीमेडिसिन के ऊपर जोर हो गया है, लोग अवॉइड कर रहे हैं जहाँ पे रश एरियाज़ हों और फिज़िकली गोइंग टू हॉस्पिटल, इट इज़ बेटर कि घर पर बैठ के वो विजुअल कॉन्फ्रेंस कर लें डॉक्टर से, तो ये चल रहा है इस तरह से। अच्छा एक चूँकि अब कोविड की बात निकल आई है तो मैं चाहूँगा कि एक और सवाल जिस वक्त लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है वो है वैक्सीनेशन के हवाले से। लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं लेकिन हमने सुना बहुत सारी कंप्लेंट्स हमें मिलती हैं, लोग हमसे शेयर कर रहे होते हैं कि जब वैक्सीन लगवाने का उनका टाइम आया, वो हॉस्पिटल विजिट करने गए तो हॉस्पिटल ने कहा कि नहीं आप कल आ जाइएगा या परसों आ जाइएगा, फिर उसके बाद जब वो पेशेंट या पेशेंट नहीं कहूँगा बल्कि वो जो भी वैक्सीनेशन करवाना चाहता है जो मर्द या औरत, जब वो दो दिन बाद तीन दिन बाद
जब उन्होंने विज़िट किया तो उनको मल्टीपल विजिट्स करना पड़े, तो क्या इन चीज़ों को ऑटोमेट नहीं किया जा सकता है, इन चीज़ों को हम इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं कर सकते, इनको हम SMS के थ्रू इन्फॉर्म नहीं कर सकते कि ठीक है जी आपका जो अपॉइंटमेंट था वो समहाउ डिले हो गया, इंस्टेड ऑफ मंडे आप जो है वो थर्सडे को आ जाइए या आप फ्राइडे को आ जाइए एंड सो ऑन। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें पाकिस्तान में चीज़ें डिजिटाइज हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं कि आप देखिए कि तमाम चीज़ें प्रॉपर्ली रजिस्टर हो रही, मोबाइल ऐप्स के थ्रू आप मैसेज करते हैं, आपको कोड आ जाता है, आपको हॉस्पिटल का नाम आ जाता है, आपको डेट एंड टाइम आ जाती है। टाइम का डेफिनेटली उसमें फ़र्क होता है, बिकॉज देखें वही बात है कि ये आपको पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा है, हम इतने डेवलप्ड नेशन नहीं हैं कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम जो है वो पास ऑन कर सकें, तो डे ज़रूर आ जाता है और उस डे में आप वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँच के भी आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखें आपको वहाँ पर वो एक पर्ची दे देते हैं, तो पर्ची लेके आप जो है वो बाद में फ़ोन के ऊपर अपने वहाँ पे किसी के साथ रबते में रह सकते हैं और आप टाइम पे पहुँच सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल आपने कही कि जैसे एक दिन कोई आपको दिया हुआ है और उस दिन कोई प्रॉब्लम आ गई तो उनको कहा कि जी अब नेक्स्ट डे आ जाएं और दूसरे दिन आ जाएं, तो ये भी मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर के थ्रू होना चाहिए, थ्रू डिजिटाइजेशन होनी चाहिए कि उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। लेकिन ये सब चीज़ें उस वक्त होंगी कि जब हमारे मुल्क का या तमाम ये जो आप हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं कि इसकी डिजिटाइजेशन और सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होंगी, फिर हम सब 24/7 अपने हेल्थ केयर टीम के साथ, अपने जो डॉक्टर की टीम के साथ या अपने जो कंसर्न हॉस्पिटल के साथ 24/7 कनेक्टेड रहेंगे और हमें वो मॉनिटर हो रहे होंगे। जैसे आज इंटेंसिव केयर यूनिट जिसको ICU कहते हैं उसमें जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगे होते हैं वो यही मॉनिटर कर रहे होते हैं कि पल्स क्या चल रही है, हार्ट रेट क्या चल रहा है, ECG क्या आ रही है, वो सारी चीज़ें जब घर से उसकी डायरेक्ट एक जगह आ रही होंगी और पैनिक बटन्स होंगे, अलार्म सिस्टम होंगे कि डॉक्टर्स के रूम में वो सारे LEDs पर ये चल रहे होंगे और जहाँ पे भी कोई इंडिकेटर जो है वो अपनी लिमिट से क्रॉस करेगा तो अलार्म हो जाएगा तो हेल्थ केयर टीम को पता चल जाएगा। तो यही आपकी जिसको आप कह रहे हैं कि ये डिजिटल जो मेडिसन है वो ये सारी यही चीज़ें हैं। बिल्कुल अच्छा है, मैं जहाँ पर हॉस्पिटल्स को बहुत सारी चीज़ों में ब्लेम कर रहा हूँ वहाँ एक और चीज़ भी मेरे जहन में आती है कि देखें ये जो सिस्टम जो हम लाने की बात कर रहे हैं हम इसको यकीनन सिस्टम आ भी जाएगा तो अगर हमारी जो नेशन है हमारे जो लोग हैं अगर वो इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो इस सिस्टम के लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये एक बाई डायरेक्शनल वे में ही ये चीज़ सक्सेसफुली चल सकती है, तो इसको यकीनन लोगों को भी अब इस तरफ आगे बढ़ना होगा और अडॉप्ट करना होगा। कहीं फ़र्ज़ कीजिए कि हॉस्पिटल जो है वो सिस्टम जो मैंने कहा कि वो SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू हमें इन्फॉर्म तो कर दे, लेकिन मैं इतना कंप्यूटर सेवी नहीं हूँ या मैं अपनी ईमेल्स को चेक ही नहीं करता हूँ या मैंने वो SMS इग्नोर कर दिया पढ़ा ही नहीं, तो उस SMS या उस ईमेल का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। देखिए ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डेफिनेटली होगा, टेक्नोलॉजी की रेजिस्टेंस भी बाद जगह आ जाती है, जैसे वैक्सीनेशन की रेजिस्टेंस आपने बात जी, लेकिन टेक्नोलॉजी अपनी जगह खुद बनाती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी आज देखें हर चीज़ में टेक्नोलॉजी मौजूद है, लोग MRI भी करा रहे हैं, लोग ECG करा रहे हैं, लोग बाईपास ऑपरेशन करा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब लेवल हमारे पाकिस्तान का ऐसा नहीं रहा, तो अब हमारे पाकिस्तान में अवेयरनेस एजुकेशन काफ़ी बढ़ चुकी है, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो लेटेस्ट जो गैजेट्स आ रहे हैं डिवाइसेस आ रहे हैं इस पर जैसे जैसे ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा। देखिए पाकिस्तान में कभी गायनी में दाई का कॉन्सेप्ट था और ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा, आज से ये 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, ये 90% होता था 50 साल। आज देखें अल्ट्रासाउंड का ज़माना है कि वो उसकी एक एक चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है कि उसकी अभी क्या पोजीशन है, क्या उसकी लोकेशन है, ठीक है क्या उसका जेंडर है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह और अब हर बंदा करा रहा है अल्ट्रासाउंड, गली गली में गांव के अंदर भी खुले हुए हैं आप देखिए, और वो जो है इस तरह के जो पेशेंट है वो जाते हैं उसको विजिट करते हैं। इसी तरह डेंटल ट्रीटमेंट में आप देखें कि टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके एक्सरेस कराते हैं उसके बाद वो चीज़ें होती हैं, तो एक्सरे तो अब एक कॉमन चीज़ बन चुकी है, पहले लोग घबराते भी थे, इवन जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ पर भी लोग एक्सरे से अभी तो घबराते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कहीं पर भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, तो ये टेक्नोलॉजी अपनी जगह खुद बनाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिर में मेरा आखिरी सवाल जो मैं नॉर्मली करता हूँ, एक कोई ऐसी गाइडलाइन जो आप इन जनरल पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं या वो लोग जो हॉस्पिटल ओन करते हैं उनके लिए या जो हमारी आवाम है उनके लिए आप डिजिटल हेल्थ केयर के हवाले से कोई एडवाइस देना चाहें?
देखिए, हम बेसिकली मेरा मैसेज तो सिर्फ ये होगा कि जैसे हम मैं पटेल हॉस्पिटल में हूँ और हम अभी से ही 4C करके जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अभी से ही हम अपने हॉस्पिटल के अंदर ऑगमेंट करने की कोशिश कर रहे हीं या वेट कर रहे हैं सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज़ की। इस तरह तमाम हॉस्पिटल्स को, तमाम हेल्थ केयर को, मैं क्योंकि पाकिस्तान की बात करूँगा, उनको अभी से अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में उनको ये स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा इन तमाम डिवाइसेस के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए, और सूनर और लेटर उनको इस टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जितनी जल्दी इस टेक्नोलॉजी को, जिसको आप डिजिटल हेल्थ कहते हैं, अडॉप्ट कर लेंगे, वो उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, दुनियावी लिहाज से भी, आखरत के लिहाज से भी, और पेशेंट और कस्टमर के लिहाज से भी। तो ये ही मेरा मैसेज है कि जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, हम उसमें बहुत पीछे रह गए हैं। देखें, जर्मनी खाली इस टेक्नोलॉजी से तकरीबन कुछ $40 बिलियन अर्न कर रहा है। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई लेवल पर पहुँच चुकी है कि आज वो फेस को, पूरे फेस को रीप्लांट कर रहे हैं, आज वो जा रहे हैं कि पूरी हेड रिप्लेसमेंट के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। होलोग्राम टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके थ्रू, जिसको आप मिक्स वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, जैसे हमने VR पढ़ा था, अब ये मिक्स्ड रियलिटी है, इंटरैक्टिव वर्चुअल रियलिटी है, जिसमें होलोग्राम की बॉडी उस बंदे की आपके सामने खड़ी होगी और उसका पूरा एक्सरे, पूरी चीज़ आपके सामने होगी, आप उसको वर्चुअली ऑपरेट कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे कि कहाँ कहाँ से मैंने इसको देखना है, चेक करना है। तो ये जब टेक्नोलॉजियाँ आ जाएंगी तो डेफिनेटली हेल्थ केयर बहुत इम्प्रूव करेगा और अभी ये इम्प्रूव कर रहा है। आप देखें, बहुत से हॉस्पिटल ने जो जो इस तरह ही कर रहे हैं, और मेरा जो पटेल हॉस्पिटल है वो भी ये कर रहा है। तो इंशाल्लाह ये मैसेज है कि इसको प्लान करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बहुत बेहतरीन इंसाइट्स आपने शेयर की हैं, और जो आपने अपने हॉस्पिटल पटेल हॉस्पिटल के हवाले से जो आपने इंसाइट्स शेयर की हैं कि ऑलरेडी आप इस सिम्ट में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और फोर्सी करते हुए प्लान कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल से इस डायरेक्शन में अल्लाह ताला जो है वो हमें इसमें हेल्प आउट करे कि हमारे तमाम हॉस्पिटल्स इस डायरेक्शन में सोचें। नाज़रीन, जहाँ हम हॉस्पिटल्स को आगे बढ़ने की बात करें, जैसे मैंने प्रोग्राम में बीच में भी कहा कि ये सिर्फ हॉस्पिटल की तरफ से इन चीज़ों का अडॉप्ट कर लेने से ये सिस्टम एडवांस नहीं हो जाएगा। यकीनन हम लोगों को एज एन इंडिविजुअल इन इस डायरेक्शन में कदम बढ़ाने की ज़रूरत होगी, और इसका नुकसान नहीं है, इसका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। डिपेंड करता है कि हम कितना जल्द इस सिप में आ जाते हैं और डिजिटल हेल्थ केयर को अडॉप्ट करते हुए हम कितना जल्द इसके फ़वाद उठाने शुरू कर देते हैं। काजी नौमान मुजाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।